प्रदेश में अब सर्दियों का आगमन हो गया है। भले ही दिन में धूप खिली होती है, लेकिन सुबह और शाम को ठंड बढ़ गई है। पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 नवंबर तक ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 20 नवंबर के बाद प्रदेश भर के तापमान पर असर देखने को मिलेगा। कभी बात कर लें तो वो भी सामान्य के आसपास है, बिल्कुल, बल्कि 1-8 डिग्री कहीं नीचे है, कहीं 1 डिग्री तक ऊपर भी है। तो इस तरह की स्थिति है, चाहे वो अधिकतम तापमान है या न्यूनतम तापमान है। तो तापमान अभी अपने आप में कम ही है इस समय, तो ठंडा तो हो ही रहा है। सुबह शाम खासकर अगर देखेंगे तो ठंडा है। हाँ, दिन में धूप निकल रही है, मौसम साफ है, तो दिन में तो कम्फर्टेबल लग रहा है, लेकिन सुबह शाम अब ठंडा है। आगे देखें तो वेदर एक्टिविटी कर बात करें तो रेन या इस तरह की स्नोफॉल एक्टिविटी कोई संभावना नहीं है। अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो मौसम ऐसी तरह जो है करीब करीब साफ रहने वाला है। हाँ, मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत हो सकता है कि जैसे हमारा ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है कि इनमें जो फॉग है 20 की रात या 21 की सुबह से जो है इस तरह की जो है एक्टिविटी वो देखने को मिल सकती है 2-3 दिन आगे जो है।